हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड इंग्लिश क्वेश्चंस। जो परीक्षाएं आगे होने वाली हैं उन सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और इंग्लिश के ये हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें, डेफिनेटली इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये फिलर्स का क्वेश्चन है और इसमें आपको फिलअप करना है। दो दो सेंटेंसेस दिए हैं कंबाइन करके, और इस तरह के सेंटेंसेस काफ़ी कॉमनली पूछे जाते हैं एसएससी एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में देखिए हम क्या भरेंगे। इसमें कुकिंग की बात हो रही है और स्मेल की बात हो रही है। तो स्मेल जो वर्ड है इसको हम ING फॉर्म में नहीं लगाते, इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज़ करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर इट लगा हुआ है तो इट के साथ यहाँ पर स्मेल्स वर्ड आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्मेल्स लगा देंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ कुकिंग, व्हाट इज़ कुकिंग से उतना सेंस नहीं बन रहा। और यदि आप ये लगाते हैं कि व्हाट आर यू कुकिंग, इट स्मेल्स वंडरफुल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, हालांकि यहाँ से भी थोड़ा सा सेंस बन सकता है, लेकिन सही इसका आंसर होगा व्हाट आर यू कुकिंग, इट स्मेल्स वंडरफुल। ठीक है, तो 4 यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। तो ये है टिपिकल एसएससी क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आगामी सभी एसएससी की परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दो फिलर्स हैं, और इसको मैं पूरा पढ़ता हूँ, उससे आपको ये समझ में आएगा। आई हेट हिम फॉर द सिंपल रीज़न दैट ही कीप सिंगिंग हिज ओन प्रेजेस कंटिन्यूअली टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही इज़ एन इरीटेटिंग। अब यहाँ पर देखिए क्या भरना है। एक होता है ईगोइस्ट और एक होता है ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट का अर्थ होता है सेल्फिश पर्सन, और ईगोटिस्ट का मतलब होता है जो अपने बारे में टॉकिंग करता रहता है। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे, देखिए इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि ईगोटिस्ट में आप टी की मदद से इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ईगोटिस्ट का मतलब होता है जो अपने बारे में बात करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ईगोटिस्ट आएगा। और नेक्स्ट में हम देखते हैं ही इज़ अ रियल बिकॉज फॉर एनी थिंग ही डज ही ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, अ सेल्फिश पर्सन इंडीड। मतलब चूंकि दूसरे वाले फिलअप में सेल्फिश पर्सन की बात हो रही है, इसलिए दूसरे वाले में ईगोइस्ट आएगा और फर्स्ट में ईगोटिस्ट आएगा। तो इस तरीके से आपको लॉजिकली इन क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो आंसर होगा वो होगा 4। इस पूरे वीडियो क्लास को आप एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें। इसमें मैंने सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी एग्जाम के लिए इंक्लूड किए हैं, तो डेफिनेटली इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, एंटोनिम है ओवर्ट। एक होता है ओवर और एक होता है ओवर्ट। ओवर का मतलब होता है जरूरत से ज़्यादा, जिसको हम ओवरली भी बोलते हैं। ओवरली का अर्थ होता है एक्सेसिव या जरूरत से ज़्यादा। लेकिन ओवर्ट का क्या मतलब है? ओवर्ट का मतलब होता है खुले आम, किसी काम को खुले आम करना, ओपनली करना। तो चूंकि यहां पर एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो ओवर्ट का जो एंटोनिम होगा वो होगा हिडन। ठीक है, ओपनली का जो एंटोनिम होगा वो होगा हिडन। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है, इसमें भी आपको एंटोनिम बताना है। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ की ज़रूरत होना, किसी चीज़ को करना या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होना। ठीक है, मतलब यदि कोई चीज़ आपके लिए करना, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है उस चीज़ को करने के लिए, आप ऑब्लाइज हैं उस चीज़ को करने के लिए, तो उस जगह ऑब्लिगेट वर्ड का यूज़ करते हैं। और यदि आप ऑब्लाइज नहीं हैं तो आप निश्चित रूप से फ्री हैं। ठीक है, तो रिक्वायर एक्चुअली इसका सिनोनिम होगा और फ्री यहाँ पर इसका एंटोनिम होगा। और ड्रेन के लिए हम कलवर्ट वर्ड को यूज़ करते हैं ड्रेनिंग के लिए। एंटिसिपेट का अर्थ होता है कल्पना करना या सोचना, तो यहाँ पर एंटोनिम जो होगा ऑब्लिगेट का वो होगा फ्री। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओवरली, देखिए इस वर्ड को हमने अभी डिस्कस किया था। ओवरली का क्या अर्थ है? ओवरली चार्जेस या ओवर चार्जेस, तो इसका अर्थ होता है ज़रूरत से ज़्यादा, ये एक्सेसिवली। तो एक्सेसिवली यहाँ पर इसका सिनोनिम होगा ओवरली का। और स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, तो स्लाइटली यहाँ पर इसका एंटोनिम होगा। यदि इसका एंटोनिम पूछा जाए ओवरली का, तो आप स्लाइटली लगाएं, और यदि सिनोनिम पूछा जाए तो एक्सेसिवली लगाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। क्यूसेंट सिनोनिम है ये, और इसकी स्पेलिंग भी आप याद कर लेना, इसकी स्पेलिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एसएससी एग्जाम्स के लिए। क्यूसेंट का अर्थ होता है जो इनएक्टिव है, जो डोरमेंट है। ठीक है, तो डोरमेंट या इनएक्टिव को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इनर्ट। क्विक्सोटिक जो होता है वो इम्प्रैक्टिकल होता है। क्विक्सोटिक का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्लान
जिस जो इम्प्रैक्टिकल है, जिसको जिसको हकीकत में नहीं बदला जा सकता, उसको हम बोलते हैं क्विक्सोटिक। कोर्टली का अर्थ होता है पोलाइट या डिसेंट, पोलाइट तरीके से बात करना, जैसे कोर्ट के दरबारी बात करते हैं। और स्विफ्ट का अर्थ होता है तेज, ठीक है। तो इनर्ट यहाँ पर क्विसेंट का सही आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, देखिए ये इडियम और फ्रेज है, और रेड टेप। रेड टेप का क्या मतलब है? देखिए यदि आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे, किसी पुराने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो आप वहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारी फाइल्स वहाँ पर ब्राउन कलर की पड़ी रहती हैं, और उनके ऊपर एक लाल रंग का फीता या लाल रंग का धागा बंधा होता है, उसमें गवर्नमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी फाइल्स वगैरह रखी रहती हैं। तो रेड टेप एक्चुअली सिग्निफाई करता है कि ऑफिशियल प्रोसीजर्स जो होता है, जैसे फाइल एक मेज से दूसरी मेज की तरफ जाती है, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी की टेबल पर फाइल जाती है, तो जिससे डिले होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेड टेप, ठीक है। लाल फीता शाही इसको हिंदी में बोलते हैं, और पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत अच्छा वर्ड है ये। और यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑफिशियल प्रोसीजर्स कॉजिंग डिले, ये इसका सही आंसर होगा रेड टेप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। एक इनडायरेक्ट रेफरेंस जब दिया जाता है, तो उसको हम रिमार्क, सजेशन, असाइड या इन्यूएंडो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इन्यूएंडो, ठीक है। इसकी स्पेलिंग भी आप याद कर लेना, इसकी स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है। एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, जब हम किसी चीज़ को इनडायरेक्टली क्लू देते हैं, उसको सिग्निफाई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन्यूएंडो। चलिए आगे देखते हैं, ये एक स्पॉटिंग एरर का सेंटेंस है, और ये नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। एक सेंटेंस रेड इंक में दिया हुआ है, यहाँ पर ये एक सेंटेंस दिया है, और इसी सेंटेंस को चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो जिस पार्ट में इसके एरर है वो पार्ट आपका आंसर होगा। यदि एरर नहीं है तो नो एरर आपका आंसर होगा। तो द फायर इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग इफेक्टेड ओवर 20 फैमिलीज। द फायर इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग, देखिए यहाँ पर हमको वर्ब चाहिए कि जो आग लगी अपार्टमेंट बिल्डिंग में, उसने 20 से ज़्यादा फैमिलीज़ को अफेक्ट किया, प्रभावित किया। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये गलत है। इफेक्ट एक्चुअली नाउन फॉर्म होती है, इसका जो वर्ब फॉर्म होगा वो होगा अफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बी पार्ट में इसमें गलती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। आई अप्रिशिएट माई नेबर्स एज शी एक्सप्लेन द रीज़न फॉर सेलिंग हर हाउस। यहाँ पर इस सेंटेंस से क्या पता पड़ रहा है? इस सेंटेंस से ये पता पड़ रहा है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने नेबर्स की किस चीज़ को। यहाँ पर आपको एक नाउन फॉर्म चाहिए, क्योंकि आई अप्रिशिएट का मतलब मैं तारीफ़ करता हूँ, माई नेबर्स मतलब नेबर्स की किस चीज़ की मैं तारीफ़ करता हूँ। यहाँ पर आपको नाउन चाहिए, यानी एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो कैंडिड क्या है? कैंडिड तो एक एडजेक्टिव है, जैसे हम बोलते हैं कैंडिड ओपिनियन, यानी फ्रैंक ओपिनियन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या चाहिए? यहाँ पर आपको फ्रैंकनेस के इक्विवेलेंट वर्ड चाहिए, क्योंकि सेंटेंस बोल रहा है आई अप्रिशिएट माई नेबर्स फ्रैंकनेस। मैं अपने नेबर की फ्रैंकनेस को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस हाउस को बेचने के बारे में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर फ्रैंकनेस का इक्विवेलेंट वर्ड आपको चाहिए, और फ्रैंकनेस का इक्विवेलेंट वर्ड जो है वो है कैंडर। तो कैंडर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, सुपरसिलियस की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, और सुपरसिलियस का क्या अर्थ है? सुपरसिलियस का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को दूसरों से ज़्यादा सुपीरियर समझता है, उसको हम बोलते हैं सुपरसिलियस। तो सुपरसिलियस की स्पेलिंग एक्चुअली इसमें फर्स्ट वाली सही है, SUPERCILIOOUS, इसमें डबल एल नहीं आएगा, SUPERCILIOUS फर्स्ट इसमें सही स्पेलिंग है। और कॉन्वलेस, कॉन्वलेस ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। कॉन्वलेस का अर्थ होता है जैसे किसी बीमारी से रिकवर करना, उसको हम बोलते हैं कॉन्वलेस। तो इसमें आपका एक्चुअली CONVALESCE, CONVALESCE ये सही स्पेलिंग है इसमें। सेकंड जो है इसमें आपका सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और सिकोफेंट या साइकोफेंट की आपको सही स्पेलिंग बतानी है, तो साइकोफेंट की सही स्पेलिंग होगी, इसमें एच नहीं आता, SYCOPHANT, ये इसमें सही स्पेलिंग होगी। और साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस व्यक्ति या फ्लैटरिंग करने वाला व्यक्ति, तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, देखिए ये भी एक काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, आई वॉज हैप्पी टू रिसीव माई फादर्स बुक्स। आई वॉज हैप्पी टू रिसीव माई फादर्स बुक्स।
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका डॉग ईयर्ड। डॉग ईयर्ड का मतलब होता है ऐसी बुक्स जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं और जिनके जो कोने हैं, जिनके जो कॉर्नर्स हैं, वो डैमेज हो गए हैं, पतले हो गए हैं, झड़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डॉग ईयर्ड। तो सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये PQRS के क्वेश्चन हैं और इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग एंड देखिए इसमें हम क्या बता रहे हैं, इट वॉज ए फ्राइडे मॉर्निंग एंड द लेफ्टिनेंट स्कैन द होराइजन। देखिए यहाँ पर लिखा है कि लेफ्टिनेंट स्कैन द होराइजन, ये सेंटेंस जो है थोड़ा सा रैंडम सा लग रहा है कि अचानक से ये लेफ्टिनेंट ने होराइजन को स्कैन किया, लेकिन इससे पहले एक बैकग्राउंड होना चाहिए, तो इसलिए ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं आएगा। इट वॉज ए फ्राइडे मॉर्निंग एंड जस्ट एज द डेजर्ट हेज द लेफ्टिनेंट स्कैन द होराइजन, ये ऐसे सही बनेगा ये सेंटेंस। इट वॉज ए फ्राइडे मॉर्निंग, ये फ्राइडे मॉर्निंग था और जैसे ही डेजर्ट का जो हेज था, जो फॉग था, वो हटा, लेफ्टिनेंट स्कैन द होराइजन विद द बाइनोकुलर्स, अपनी दूरबीन निकाली और होराइजन को स्कैन किया। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बनेगा, इट वॉज ए फ्राइडे मॉर्निंग एंड जस्ट एज द डेजर्ट हेज वॉज क्लियरिंग, जस्ट एज द डेजर्ट हेज वॉज क्लियरिंग द लेफ्टिनेंट स्कैन द होराइजन, द लेफ्टिनेंट स्कैन द होराइजन एंड फोकस्ड ऑन मैनी एनिमी टैंक्स। इस तरीके से ये बनेगा, यानी क्यू और एस इसमें पहले आएगा, तो क्यू और एस यानी फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये भी PQRS का सेंटेंस है। अर्थ इज़ द होम टू आर फ्यूचर, वी ऑल शेयर जनरेशन एज देयर एंड वर्ड पास ऑन लेगेसी। अर्थ इज़ द होम वी ऑल शेयर, मतलब अर्थ एक ऐसा घर है जिसको हम सभी लोग शेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ से एकदम लॉजिक बन रहा है इसका। अर्थ इज़ द होम वी ऑल शेयर, अर्थ इज़ द होम वी ऑल शेयर एंड वुड पास ऑन टू आर फ्यूचर जनरेशन, मतलब इसके बाद एस आएगा और इसके बाद पी आएगा। ठीक है, तो अर्थ इज़ द होम वी ऑल शेयर एंड वुड पास ऑन टू आर फ्यूचर जनरेशन, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो क्यू एस पी आर, ठीक है, क्यू एस पी आर इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन सेंटेंसेस को आपको करना है। देखिए ये है एक स्पॉटिंग लेटर का सेंटेंस है और आगामी सभी SSC CHSL और CGL एग्जाम में इस तरह के सेंटेंस पूछे जाएंगे। नीदर द चिप्स विच वर चीपर नॉर द पिज्ज़ा इंटरेस्टेड द किड, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में मैं आपको बता देता हूँ कि नीदर और नॉर का जो पेयर होता है उसमें बीच में ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता, इसका यूज़ हम नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर इसको आप बोल सकते हैं नीदर द चिप्स वर चीपर नॉर द पिज़्ज़ा इंटरेस्टेड द किड्स, मतलब ना तो चिप्स जो थे वो चीपर थे, सस्ते थे, और ना ही पिज़्ज़ा में बच्चों ने कोई इंटरेस्ट दिखाया। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, यानी यहाँ पर ये विच का कोई काम नहीं है और विच यहाँ पर आया होगा वही पार्ट इसका इनकरेक्ट है, यानी यहाँ पर सी जो पार्ट है ये इसका इनकरेक्ट है और यही आपका आंसर इसमें होगा। यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है एग्जैस्परेट का, और एग्जैस्परेट का क्या अर्थ होता है, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना, एनॉय करना, अपसेट करना, चिढ़ाना, उसको हम बोलते हैं एग्जैस्परेट। तो इनफूरिएट ये सही इसका सिनोनिम होगा। बाकी सारे इसके एंटोनिम है, एलिविएट, ट्रेंक्यूलाइज, अपीज, ये इसके एंटोनिम है। ई कोर्स में रजिस्ट्रेशन चालू हैं और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा ई कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और GK के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एक मैंने ई बुक क्रिएट की है जिसमें SSC CHSL के लिए 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं आंसर्स के साथ। इसमें इफेक्टिवली आपको 250 से 300 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि मैंने ऑप्शंस को भी, जो सारे ऑप्शंस होते हैं उनको भी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। इसको यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से इसको आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही। यदि ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ। इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक
थैंक यू।